स्कूल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। ये क्या कर रही हो? उसे कमरे में पहुंचते ही दरवाजा लॉक करते देखकर वो बौखलाती हुई बोल उठी, तुम्हें अगवा? वो जलाकर बोला और गौर से उसे सर तथा पैर देखने लगा। ब्राउन और हाफ वाइट सिंपल से ड्रेस और वाइट दुपट्टे में बेपरवासी खड़ी उसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें पता कि इस वक्त मेरा क्या दिल कर रहा? उसकी तरफ बढ़ते हुए पुरखिद्दत लहजे में वह गोया हुआ तो उसकी घबराहट बढ़ने लगी। क्या? वो कदम ब कदम पीछे होते हुए बोली। उसके करीब पहुंचा और इंतहा करीब के उसकी गर्म सांसें जेनी का चेहरा सुलगाने लगे, उसके सांसें अटकने लगे। तुम्हें खा जाओ, उसके कान के करीब सरगोशी की तो उसके लफ्जों की जोमैनियत से झंझना उठी। वो इसलिए तो जानबूझ कर उसे दूर रहती थी कि उसका हर वक्त रोमानी अंदाज उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। मुआविया देखो, उसे बामुश्किल धूल निकलते हुए चेहरा उसे दूर हटाते हुए कहा। देख ही तो रहा, उसे दाएँ आँख मींचते हुए बेबाकी से कहा तो उसकी हरकत से तप सी गई। ये लोफर वाली हरकतें मेरे साथ मत किया करो, उसके सीने पर हाथ मारते हुए वो पढ़ करती हुई हक्की से उसकी सैर से निकलने लगी। जब उसने बाजू से पकड़ते हुए दोबारा अपने सामने किया तो वो बामुश्किल टकराने से बचती, उसी का सहारा लेते हुए उसके सामने आंट टिके। तो फिर वो शोरू वाली हरकत करने दो, उसे सुलगते हुए हमार अलूद लहजे में कहते हुए चेहरा उसकी गर्दन पर झुकाया। माँ, उसके लब गर्दन पर महसूस करती हुई लदरती पुकारने लगी। जब वो शहादत की उंगली से उसके लब दे हिला गया, उसने बिखरी सी जहनी को बाजू में भरा। उस पर जुगता से मुकम्मल तोबा बिखेरता उसके सांसें उलझाने लगा। न जाने कब तक उस पर हावी रहता कि दरवाजे की जोरदार दस्तक पर खोले से पीछे हुआ और एक भरपूर नजर उस पर डाली जो कि सुरख चिड़ा और बिखरी सांसों के साथ खुद को कंपोज कर रहे थे। मुआविया, बख्श दे हमें, मेरी बाई कुछ देर के लिए अपनी बीवी उधार दे दे, रात को वापस ले लेना। लाडे की मिन्नत बड़ी वापस के लबूबा जोरदार से मुस्कुराहट फैली। उसने सोमैनी नजर से उसकी तरफ देखा तो वो हजरत भी रूह मोड़ गई। चलो बाकी के शोहराना काम रात को करूंगा और खबरदार मेरे आने तक चेंज मत करना, बोले से उसकी तरफ जूता हुआ कहकर उसके सर पर लब रखे। उसे महसूस करने के बाद उसे छोटा हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा जबकि वो वहीं पर खड़े दड़कने शुमार करने लगे। सर ने कहा कि यह पैकेट बेबी मैम तक पहुंचाना लेकिन अब 17 तारीख से पहले खोलेंगे इन्हें। कमरे में आने के बाद उसने बेड पर पड़े हुए पिंक डायपर में लिपटे पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो काफ़ी हैरान हुए। क्यों, 17 को क्यों? वो बहुत ही हैरानगी से इस पैकेट को देखने लगे। ये तो आप सर ही बता सकते, उसने कांधे उचकाते हुए जवाब दिया। वो मुतजस्सिस थी, गिफ्ट पैक की तरफ बड़ी उसे देखने लगी और खोलने के लिए सिरा देखने लगे। सर का गिफ्ट है, सर को बताए बगैर ही खोल लेंगे तो इन्हें खबर हो जाएगी, उसने खबरदार करना चाहा। उसके बाद से उनको वो भी ठीस सी गई लेकिन उसके जहन में अपनी गुज़िश्ता रात की तस्वीरें आई जो उसने भेजी थी, मतलब कि वो कहीं से तो ऊपर फोकस किए हुए था, इसलिए तो वो चाह कभी मुतजस होने के बावजूद उसे खो ना सकी। आप पता नहीं इसमें क्या है, तुम्हारे सर को भी अल्लाह पूछे कि कोई इतने दिन पहले से सरप्राइज गिफ्ट देता, वो शिकायती अंदाज में बोले। कोई बात नहीं, ये दिन गुजरते टाइम नहीं लगना, उसे जो तसली देते हुए कहा तो वो भी धीरे से मुस्का दी कि उसको इसके सिवा चारा ना था। जन्म जन्म साथ चलना यूही, कसम तुम्हें कसम साथ रहना यूही, सॉफ्ट सा म्यूजिक धीरे शुरू में खूबसूरत समा पेश कर रहा था। शहर के महंगे और बड़े बैंक्यूट में इस वक्त अहमद शाह की बेटी और माँ साथ की बेटी और भाई की बारात का इतमाम हाई सिक्योरिटी के साथ किया गया था। रेड और पीच कलर के लहंगों और खूबसूरत मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी हुरों से मुशाहबत कर रहे थे जबकि मेरू शेरवान में दूल्हे भी उनकी टक्कर पर थे। सुरख अर्गंदे के खूबसूरत दुपट्टे से उनके चेहरे ढके हुए थे। अलीजे बार बार आंखों में अतवी नमी को साफ करती किसी की जाल सीने में उतरती बामुश्किल अपनी जिम्मेदारी को निभाती शायद उसकी कमी पूरी करने की कोशिश में थी। वली भाई निकाले 50,000 रुपये। वली को दूध का सिप लेते हुए देख कर ही वो फौरन बोली कि हुदा की तरफ से दूध पिलाई की रस्म वो कर रहे थे कि वो इकलौती थी जबकि बरेहान की रस्म पूरियाँ कर रहे थे। 50,000, उसकी आंखें उबलती हुई बाहर आने को थी। वो किस खुशी में, उसने दांत पीसते हुए कहा। ये जो दूध नोच फरमा रही है ना उसका, उसने मजे से बताया। सब उन्हें देते हुए महसूस हो रहे। क्या, उसने बेसाता आर्यन की तरफ देखा लेकिन तब तक वो भी सदमे से आ चुका था कि हूर ने 1 लाख का दशका लगाया था। नहीं यार, दूध इतना महंगा, इतने तो मैं तो एक भैंस मिल जाती, आर्यन ने जर्जरी लेकर कहते हुए आध पिया हुआ गिलास टेबल पर रख दिया तो सब हंसने लगे। चले पैसे दें वली भाई, उसने वली की तरफ हथेली बढ़ाते हुए कहा। छी 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 भाभी, जिनसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो आपको पैसे नहीं देता, वो नौबत इधर मांगने तक जा पहुंची है, जुरेज ने मुस्मी अंदाज में अफसोस करते हुए कहा तो वो हजरत से उतरी सुरह पड़ती। ना भाभी ना, तंग ना करना वरना खुद तंग हो जाओगे, वो देखो जैन ने भाभी की प्रोटेक्शन के लिए भेजा है, तलाने खान की तरफ इशारा करते शरारे से कहा तो महफिल ज़ाफ़रान लोगे। बस, उसने हाथ उठाते हुए कहा, एकदम खामोशी जागी। लो जी, डांट की बीवी भी डांट, डेडी डांट, एक गलत दस्तों बढ़ जाइए।
जी का खून तो नहीं पिया, मुआविया ने इतनी संजीदगी से पूछा कि सबका हंसते हुए बुरा हाल होने लगा, जबकि वह शर्म और हफ्की से सुर पड़ने लगी। मुआविया भाई, मैं सचमुच ये डांट बढ़ना, और वह जो गार्ड्स खड़े हैं ना उन्हें बुला लेना। उसे अपने महसूस धीमी आवाज में धमकी दी तो फूफो ने मुस्कुराते उसे साथ लगाया। बस मेरी बेटी को तंग मत करो के फूफो बोल रही थी, जबकि मुआविया जुमला उच्चतर तो बोला कि उनको तंग करने का परमिट सिर्फ आपके बेटे के पास है। आंखों में शरारत और लहजे में हफीफ सी संजीदगी सबके कह के चुरा गए। मुआविया सर की काल है बात करो, उससे पहले कि कोई कुछ कहता खान की बात पर मुआविया को ब्रेक लगा। ले जी हो गई मेरी छुट्टी, उसे इतनी मस्कीनियत से कहा कि जुरेज की हंसी छूटी। पड़े हो ऐसा साला तुम्हें मिलता तो पता चलता। अफसोदगी से कहते हुए वो सर पर हुआ तो वो दोबारा से असल मसले की जानब आए। निकाले आप दोनों पैसे, उसने आंखें निकालते हुए कहा तो दोनों ने मस्कीन से शक्ल बना ली। यार लीजे मैं तुम्हारा भाई हूं ना, याद करो मेरी जान, वाली नमस्कार लगाया, याद है मुझे सब, आप अभी पैसे निकाले, उसने आंखें माथे पर रखते हुए कहा। चलो भाई हमारा खाता क्लियर करो दोनों, मीना भाभी और आयशा चाची दोनों ने आगे बढ़कर कहा तो दोनों मुंह बनाने लगे। मैं तो आज के बाद जिंदगी में कभी दूध नहीं पीऊंगा, वली के दाहियां अरूज पर थी। बुढ़िया बच्चे मैं तो का फेवरेट अंकल हूं ना, तो फिर भी आर्या ने पुचकारते हुए कहा तो उसने नफी में साइज लाया। फेवरेट है इसलिए कम मांगे, वरना ज्यादा मांगने थे, उसने बड़े आराम से कहा तो उसकी आंखें फटने लगे। इसी हंसी मजाक में उन्होंने पैसे दिए और फिर रुखती का स्वर उठने लगा और बहुत सी दवाओं के हसार उकराम बाग के साथ तले वो दोनों रुखसत होते हुए पिया संग चली गई। अपने कमरे के सामने पहुंचते ही वो करा कर रह गया। मीने ताशे महरूज दीनी लाड़े और अलीजे पूरे सुल्तान राय के स्टाइल में दरवाजे के सामने खड़ी थी, बस एक गंडासे की कमी थी। अब क्या है, क्यों चंदा लेने वालों की तरह खड़ी है सब, उसने आते ही नाराजगी से कहा। चंदा नहीं ने कहते से बीबी के पास जाने से पहले अदा करके जाते, मैं उन्हें आराम से तलाक दी तो वो बनहा उठा। मुझे पता होता ना कि शादी का इतना जगह टैक्स देना पड़ेगा तो मैं उसे बगा कर ही शादी कर लेता, वह जल कर बोला। खबरदार जो मेरी भतीजी को भगाने की कोशिश की, अलीज से मसनू गुस्से से कहा। मेरी किस्मत एक दर्द मुस्तकिल सास मेरे सर पर रहेंगी, अब उसे अलीजे की तरफ देखते हुए आप बड़ी तो वह शर्म से सुरह पड़े। शर्म करो वो बस इस कदर ही कह सके। लेडीज नीचे देखो जी आ गया, मुआवे ने सीढ़ियों पर खड़े होते हुए इन्हें इतला दी तो उसका दिल पसीने में धक धक करने लगा और वो पांचों की पांचों रेलिंग की तरफ भागे। और तब उसने आर्यन को इशारा किया तो वह हड़प से कमरे के अंदर। थैंक्स मौविया, उसे दरवाजे से हाँक लगाई और वह जो उसे ढूंढने में लगी थी इस हाँक और मौविया की मुस्कान देखकर उनका ड्रामा समझ के। तुमने बेवकूफ बनाया हमें, लाडे उसे मारने को डोरी, लेकिन वो सब वहीं पर खड़ी अपने बेवकूफ बन जाने पर और बंद दरवाजे को घूरते जा रहे थे। आपको देखना और आपकी तारीफ करना अभी बाकी है और आप पहले ही उसके आसार खत्म कर रही, जो रेकी पीने निकाले उसके हाथ उसकी आवाज को सुनकर थमे, जो कि कम से कम इस वक्त सुनना नहीं चाहती थी। देखो हान, उसे होले से हाथ नीचे करते हुए कहना शुरू किया, मुझे बहुत ही सख्त नींद आई है, मुझे तंग मत करना, उसने खुद पर काबू पाते हुए तंबीहन किया। हमेशा मेरी नींद खराब की है, आज मैं कर देता हूँ, खैर है, उसे लापरवाह से कहा। तुम्हारी नींद क्या खराब होनी, तुम्हें तो परवाह ही ना होती थी, उसे तनसन शिकवन किया, और नींद तो खराब हो जाती थी, जरूरी तो नहीं कि जिताया भी जाए कि मुसलतों के तकाजे भी पूरे करने होते हैं, उसने फिर से सफाई दी। इन्हीं मुसलतों के तकाजे थामे रखो और मुझे डिस्टर्ब मत करो अब, उसने उंगली उठाकर कहते दोबारा से शीशे की तरफ रुख मोड़े और बाल खोने लगे। मुसलतों के तकाजे पूरे करने के लिए अब मेरा ख्याल कि इस रिश्ते के तकाजे भी पूरे कर लेने चाहिए, जो मैं लहजे में कहते हुए उसके कुछ से पहले ही इस रंग के फ्राक में मलबूस महरू को मजबूत बाजू में उठा चुका था। हान वो बुखलाती चलाई, छोड़ो मुझे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, छोड़ो, उसके सीने पर जोर से मुक्के मारती हुई बोली। कोई बात नहीं दोनों मिलकर खून पिए थे एक दूसरे का, उस पर झुककर अपने लाभ उसकी नाक से मिस करते हुए शरारत से गोया हुआ तो वो बदकी। खबरदार हान मेरा छोर बनने की कोशिश मत करना, वो जोर जोर से टांगे हिलाती हुई बोली। क्या, उसने आंखें फैलाते हुए पिपली सी मेहरू पर निगाह डाली। मेहरमा बीबी मैं आपका छोर बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपका छोर हूँ, उसने पिछले अंदाज में कहते हुए जोर दिया। होंगे ना तुम नाम के शोहर, उसे नाक चढ़ाई। हाँ तो इसलिए तो अमलन शोहर बनने लगा, उसे मैंने हिस्से कहते हुए झुकते हुए उसे बेड पलटाया तो वो स्ट्राइस से उठी, लेकिन हरकत करने से पहले ही जकड़ी गए। हाँ तुमने छोड़ मुझे, वो अंदर से मुकम्मल घबरा चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके नरम लम्ब से पिघल जाए, वो भरपूर मजामत से घबराहट को छुपा रही थी। मेहरमा बीबी आज तो ये काम बहुत ही मुश्किल, उसने उसके माथे पर मेहर से जाते हुए कहा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। हाँ उसे इसकी मेहर बस करो, खुद को और मुझे सजा देना खत्म करो, ये अजियत महसूस करने दो मुझे और खुद को, इस रिश्ते का एहसास मुझे महसूस करने दो खुद को,
उसकी पहचान से पहचान ही टकराया, वो धीमे लहजे में बोलता है, उसकी धड़कन ने मुंतशिर कर गया, उसके लहजे के उलझाव में चुप उलझी चुप साधे बैठी इन पलों को महसूस करती रही। उसके अंदाज में हल्के सी शिकस्त महसूस करके उसने उसे बाजू में जोर से भिजा और गले से लगा लिया। और ताबी शायद उसे कुछ सहारा मिला, वो हिचकुल से रोती से शिकवे शिकायत करने लगी, जिसे वो तहमल के साथ सुनता दूर कर रहा था और साथ साथ उसके बालों से पीने निकालते उसे सुलझा रहा था। जब वो काफ़ी देर तक चुप ना हुई, उसका ध्यान बटाने की खातर गोया हुआ, बस करो मेहर बीबी, मेरी न्यू शिरक का क्या हाल कर दिया, उसने बेचारकी से कहा। वो करण खाकर सीधी, हाँ तुम्हें मेरे हाथों जाया हो जाना, वो दांत पीसते भीगते लहजे व आंखों के साथ बोलते वो कहता लगाता उसकी तरफ बड़ा, तुमने मेरे हाथों गन, उसके बढ़ते हुए हाथ देते हुए धमकी देने लगी। जब उसने झटके से खींचा, उसके लबों पर जूता हुआ सारा लंप भी बुझा गया। खिड़की के पार चांद उनकी आजमाइश से पूरे इम्तिहान के बाद उस मिलन पर चुपके से मुस्का दिया, लेकिन कौन जाने के कितनी आजमाइशें बाकी थी। हाँ हाँ डियर, दरवाजा खुलने की आवाज़ के साथ आधी आवाज़ पर उसके हवास अलर्ट हुए। नहीं नहीं सारा टाइम तुम्हारे ही तो है, उसका दिल डूबा उसकी बात सुनकर। वह किसके साथ शादी की रात उसके सामने क्या बात कर रहा था, उसने घूंघट से बामुश्किल पार देखते हुए अंदाजा लगाया तो वो शेरवानी के बटन खोलते हुए ड्रेसिंग के सामने जा टिका। और नहीं यार, अब तो शादी हुई है ना, तो आज तो मजबूरी है, उसका दिल सुकड़ सा गया और आंखों में नमी चमकने लगी। नहीं यार, आज उसे टाइम देना मजबूरी है, कल का सारा वक्त तुम्हारे लिए, मुस्कुराते लहजे में कहते हुए जुमले पर उसका जब चूट चूट हुआ और वह घूंघट और लथवी झटके से उठी और रोती हुई दरवाजे की तरफ लपकी। और वो जो मक्का सा मोबाइल पर लगा हुआ था उसे उठते और रोते देखकर बुखला गया और फुर्ती से लपकते उसकी कलाई थामी। छोड़ो मुझे यू चीटर, वो रोते हुए बोली, मेरी बात तो सुनो चिशमिश, उसके गिर्द बाजू फैलाने की नाकाम कोशिश करता हुआ बोला तो वो झटके से दूर हुई। मुझे हाथ मत लगाओ, सुसु करती वो दुल्हे नापे के रंग में रंगी उसके दिल में उतर उतर जा रही थी। उसकी भरपूर मजामत देखते हुए उसने जकड़ते हुए दोबारा बैठ की तरफ फेंका तो वो भभक उठी, तूने मुझे चीट किया और अब ये जबरदस्ती, तो वो झुका और उसकी सारी शिकायत गुस्सा नाराजगी व बदगुमानी अपने लबों में समेटता उसके सांसें मुंतशिर कर गया। उसकी गोल्डन आंखें उसके जुड़े पर फटने लगे, वो दम घुटने लगा। कुछ लम्बों बाद वो पड़े हुआ और शोर नजर उसका सर तापा जायजा लेने लगा जो उससे नजर चुराते हुए थी। वली तुम, उसे शिकायती नजर उसकी तरफ घुमानी चाहिए लेकिन उसकी शोर नजरों का सामना मुश्किल था, इसलिए उसकी सोच उसकी बातें सोच कर उसकी आंखें फिर से बढ़ने लगे। ए ए खुदा रो क्यों रही हो, उसे चुप करवाते हुए बोला, तुमने चीट किया मुझे, शादी की रात तुम किसी से बात कर रहे थे, उसने सिदकी पड़ी तो एक पल के लिए बाद हंसने लगा और फिर बेताजा हंसने लगा। वो होनक से उसको देखने गई, क्या यार मैं तो बंद मोबाइल के साथ लगा था, बस ऐसे ही शुक्ल, उसे शरारत से आंखें मिचते हुए कहा तो चलाते उस पर मुक्के बरसाने लगे। तुम इंतहाई फजूल इंसान हो वाले सिकंदर, को अपनी पोजीशन और हालत का ख्याल भूलते हुए पुराने अंदाज में उसे लड़ने लगी और दांत कुछ कुछ बोलते वो क्या कर लगा गया, मेरा मेकअप हड़ाव करवा दिया मुझे रुलाते हुए शेम मोन्चो, उस वक्त कहीं से भी नई नवेली दुल्हन वाले अंदाज व नहरे ना दिखा सकी, बल्कि वही पुरानी चिशमिश बननी रहे। चलो बाकी का मेकअप मैं खराब कर देता, उस बार जूता हुआ मैंने हिलसी से बोला तो वो बुखलाते उस पर कुशन फैंती से दूर हटाने लगे, जबकि वो कुशन के साथ ही उसे काबू करता हुआ क्या लगाते उस पर झुका तो ना चाहते हुए भी उसकी तभी हंसी उसकी हंसी के साथ शामिल हो गए। हस्पित को सुरदया का सामना करते ही वो गहरी सांस भरकर आ गया, तकिए नीचे जमीन पर बिखरे, कुशन भी कुछ बैपर और कुछ नीचे रुल रहे थे, उसकी झोली भी बिखरी पड़ी, अपनी किस्मत पर नोहे कुन थे, जबकि वो खुद इसी लहंगे में जिसका दुपट्टा बेपरवाही से सोफे पर पड़ा हुआ था और बाल बिखेरे हुए गुट्टू पर सर दिए पैर से टेक लगाए नीचे बैठती, वहीं डुक जो आर्यन शाह, वो बिपर सी बोली, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ता हुआ उसके करीब बैठ गया। तुम, उसने कुछ कहना चाहा, जब वो बगैर कुछ कहे उसके कंधे पर बाजू फैलाते हुए उसके साथ लगा गया और फिर वो सब खोती हुई उसके सीने पर सर टकाए अपना गुबार निकालने लगे। क्यों क्यों किया ऐसे, क्यों मेरी बात नहीं मानी, अपने लिए मुझसे बेहतर ढूंढ लेते ना, क्यों किया ऐसे, मैं नहीं थी तुम्हारी काबिल, क्यों किया ऐसे, मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी नहीं, वो बेरती से बोलते हुए दिल का गुबार गुस्सा निकालने लगी, जबकि बोला पीछे बस सुनने जा रहा था। लोग जब सब कुछ जानेंगे तो क्या कहोगे उन्हें, क्यों अपने लिए इतनी अजियत भरी जिंदगी चूज की, वो अजियत भरी लहजे में कहते थे झंझोड़ के, लोग सब कुछ नहीं जानते, बस इतना जान लें कि तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी हमेशा प्यारी होती है, उसके माथे से बिखरे बाल परे हटाता वो प्यार की पहली मोहर सजा गया। वो दम सुधे बैठी उसके लफ्सों और लम्स के हसार में गिरी थी और अपनी जिंदगी के बारे में कुछ गलत कहने का हक मैं आज की बात आपको भी नहीं दे रहा, उसकी आंखों में आंखें डाले हुए कहता हुआ उसे मनबंद सा कर गया। तुम अपने सामने खड़े स्याह जीन्स स्याह टी शर्ट और स्याही स्लीव लेस जैकेट पहने हुए खड़े शख्स को देखकर वहीं बैठे हुए पांच नफूस के मुंह हैरत से खुल गए। वो अपनी हैरत से ही ना संभले थे कि जब स्याह यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिसर्स ने गार्ड्स थामे उन्हें चारों तरफ से घेरा और मुख्तलिफ ऑफिसर्स वहां पर
वजूद कमरों की तरफ भागने लगे। उनकी हैरतजदा नजरें दोबारा से उसकी जानब मुड़ी, जो हाफ ब्लैक ग्लव्स पहने हुए गन को उन पर फोकस किए अपनी पूर्ण इसरार और शानदार शख्सियत के साथ खड़ा था। हान सारे रूम से गर्ल्स को निकालकर अलग वैन में बिठाओ और बच्चों को अलग-अलग वैन में बिठाकर रवाना करो। वो तमाम मटेरियल और असला हर चीज एक एक कोने से चेक करके निकलवा लो। उसके हुक्म देने पर वो होश में आए। ए रुको, उनमें से एक आगे जाते हुए हान को पुकारा, लेकिन वो अनसुना करते हुए चलता रहा। तुम्हें लगता है कि मेरे ऑफिसर्स मेरे अलावा किसी की सुनते होंगे? उसने गन का पिछला हिस्सा उसके मुंह पर मारते हुए ठंडे लहजे में कहा तो वो मुंह के बाद जमीन पर जा गिरा। तुमने हमें डबल क्रॉस किया ऑफिसर, एक ने नफरत से उसे देखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि ये मेरी आदत है, उसने थत निगाह उस पर गाड़ते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से जिंदा बचकर यहाँ से जा सकोगे? उसके चीफ ऑफ गैंग ने कहा तो वो यूं मुस्कुराने लगा जैसे किसी बच्चे की बात पर मुस्कुरा दिया हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे सब गार्ड्स अंदर और बाहर वाले सब इस वक्त वसले जहानम रसीद हो चुके हैं, और तुम्हारे सारे बम भी डिफ्यूज हो चुके हैं, और तो तुम्हारा असला भी पकड़ा जा चुका है, और ये काम पिछले 5 दिनों से हो रहा था, लेकिन तुम मुझे शिकस्त देने की खुशी में मकर ये सब भूल महसूस ना कर सके। उसने एक साथ ही कई मुके उसके नाव पर मारते हुए सर्द लहजे में फुनकारते हुए कहा। इन सब के होश उसकी दी गई इतलात के बाद उड़ चुके थे। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, जो कि अक्सर कर जाते, लेकिन मैं काम तमाम करके अटैक करता कि तुम्हारे जैसू के पास कोई गुंजाइश ना बचे। उसके लहजे की सर्द तासर ने उन्हें टकरा सा दिया, और फिर एपी से आती हुई इतला पर उन्हें वहीं पर छोड़ता हुआ खिड़की से कूदा नीचे जा गिरा, जबकि वो अपने बच जाने पर मशहूर व हैरत ज़दा थे। बिल्डिंग से कूदते ही उसने ऑफिसर को इशारा किया, और 3 सेकंड बाद ही उसने एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। उसके लबों पर एक ही पुरस्कार मुस्कुराहट झलक दिखाकर छुप से गई, और वो पुरकार अंदाज में चलता हुआ अपने ऑफिसर्स की मेयत में इस बिल्डिंग से बाहर निकलता चला गया। अलीजे, मामा की पुकार पर वो सोचों को परे करती फौरन उनके तरफ बढ़ी। जी मामा, वो उनकी गोद में सर रख के लड़की को पूछने लगी। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। कुछ नहीं, बस शादी को याद कर रही थी, इतनी जल्दी गुजर गए। उसने मुंह बसोड़ते हुए कहा कि रिसेप्शन को गुजरे भी एक दिन गुजर गया था। हाँ, ये बात तो है, आज 2 दिन तो शादी को भी हो चुके, मम्मा ने मुतफिक होते हुए कहा। तो वो ठटकी और उसके दिमाग में क्लिप हुआ, और वो फौरन सीधी हुई। मम्मा, आज क्या डेट है? उसने दिमाग पर जोर देते हुए पूछा। तो मम्मा ने कुछ हैरान होते हुए बताया, 17 तारीख है। क्यों, क्या हुआ? उसने उनकी बात सुनी ही ना थी, वो कुछ पल को साकस ही रह गई, लेकिन सिचुएशन का दराख होते ही वो फुर्ती से उठी और सीनू की तरफ भागे। क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों भाग रही हो? ध्यान से, वो परेशान होती पुकारी। आपके बेटे का सरप्राइज गिफ्ट खोलने जा रही हूँ मामा, वो जोर से जो अपनी मुंतशिर होती दरकुन के साथ कमरे की तरफ बढ़ती गई। वो दरकते दिल के साथ सीरिया प्रांत हुए कमरे के दरवाजे की जन्म पड़ी, और दरवाजे पर पहुंच कर उसे कुछ पल धीरे से अपने दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया, और फिर खोले से दरवाजा खोलती हुई अंदर दाल हुई। कमरे में दाल होते ही वो वार्डरोब की जानब लपकी और वहां से पिंक कलर के गिफ्ट रैपर में लिपटा हुआ पैकेट उठाया और बेड पर बैठ गए। सीने में पागल होते हुए दिल के साथ ही उसने रैपर उतारना शुरू किया। उसका रंग जोश से गुलाबी पड़ता जा रहा था, जबकि निचला लब भी उसने खुद को कंपोज करने के लिए आदतन दांतों तले दबाया हुआ था। उसने रैपर उतारा, जिसमें से ऊपर रखे गए कार पर उसकी निगाह पड़ी। उसने कार उठाया तो उसकी निगाह इस खुशनुमा लफ्जों से फिसलने लगे। उसका रंग इंतहाई हाथ तक सुरख पड़ रहा था, और वो बार बार इन लफ्जों को पढ़ती उनकी शिदत महसूस किए जा रही थी। उसने लदरते हाथों से निचला पैकेट खोला, उसके अंदर भी एक सुरख रंग का कार्ड नीचे गिरा। उसने ब्लश करते हुए वो कार्ड पकड़ा, उसे खोला। उसके लिखे लफ्ज उसके पागल होते दिल को सीना तोड़कर बाहर आने पर अबूरने लगे। उसने होले से ड्रेस निकाला, और फिर वो कुछ पल मोहब्बत से रह गई। व्हाइट कलर का लॉन्ग सा फ्रॉक जो जमीन को छूता हुआ महसूस हो रहा था, और नफीसी नर्सी मजीन शोल्डर और नेक वर्क जिसको एप्टिक वर्क से कवर किया गया था, उसकी निगाहें ड्रेस पर जमी थी, जब उसके अल्फाज दे में डगमग आए। वेयर दिस ड्रेस एंड रिच फार्म हाउस, उसने एक नज़र उसकी निगाह इससे खुद को इस ड्रेस में देखा तो वो लजा सी गई। उसने जल्दी से ड्रेस बेड पर रख दिया और खुद को संभालने लगे। उसकी निगाह पैकर पर गई तो उसमें ड्रेस से मैचिंग हर शाम मौजूद थी। उसकी निगाह इन चीज़ों पर साकत से जमी थी जब आयत और महर दरवाजा खटखटाती हुई कमरे में दाखिल हुई, लेकिन वो तब भी मतवजा ना थी। हाओ, महरू उसके कान के पास जोर से चलाया तो वो चढ़ पड़ी और कांपने लगी, लेकिन मुड़का देखा तो वो मुंह पर हाथ रखे हंसी रोकने की कोशिश में थी। बहुत बुरी हो तुम, वो हजल होती हुई बोली। आप बहुत अच्छी और मासूम भी हैं, इसलिए तुम्हारी लाला को दीवाना बनाया हुआ है, उसके गाल आदतन खाते हुए बोला तो उसके पहले से सुरख गाल घोया लहू छलकाने लगे। बस जी, इनका कोई हाल नहीं है, उनके जिक्र पर इतना सुरख होती और शर्माती तो उसकी मौजूदगी पे उसकी ये अदाएं मेरे देवर का क्या हाल करती होंगी। लारेब ने उसकी शर्माहट को निशाना बनाते हुए शरारत से कहा। भाभी,
लाले का गिफ्ट मुझे भी दिखाएं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो रही जब से मम्मा ने कहा कि आप उनका सरप्राइज गिफ्ट ओपन करने गई हैं, लेकिन जब इतनी देर नीचे नहीं आई तो उन्होंने परेशान होकर हमें ऊपर भेजा कि ऐसा क्या गिफ्ट है जिसे देकर आप वापस नहीं आए। मेहरू नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी जब उसने उसके सामने ड्रेस करते हुए उसकी जबान को ब्रेक लगाया। ओ वाओ वाओ व्हाट अ ग्रेट ड्रेस, लाले की चॉइस का अंदाजा तो आपको देखकर ही हो गया था, बट ये ड्रेस बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी तारीफ में रब्तुलसान हुई थी। अलीजा ड्रेस वाकई बहुत अच्छी है, भाभी ने भी कहा तो मुस्कुरा दी। तभी लाले की निगाह उसके गुप्त पड़े कार्ड्स पर पड़ते हुए पकड़ते हुए बोले, कुछ स्पेशल या सीक्रेट तो नहीं लिखा? उसे स्टारडस्ट से पूछा तो वो पजल होती बस इतना ही कह सकी, नहीं। वो गड़बड़ाई, लेकिन वो दोनों कार्ड पर झुकी थी। उनके लब्बू की सो मैंने मुस्कान उसे लजा कर रख दिया। तो मतलब आज अलीजे हदशा जहाँ हदशा के साथ आज डेट करेंगे। मुस्कुराहट दबाए कह गए मैंने यह जुमले पर उसका चेहरा दग सा रह गया। वो चेहरा हाथों में छुपा गए। भाभी प्लीज, वो रोहान सी हो गए। चलो जल्दी से फ्रेश हो, साथ तो होने वाले हैं हम, तो मैं रेडी करें। भाभी तो इसी वक्त तैयार हो गए। अभी से क्यों, इतना तो टाइम है अभी। वो बुखला गई थी उनकी तेजी पर। कोई जल्दी नहीं है, जाए अच्छी से फ्रेश हो और अच्छी तरह रेडी करके भेजना आपको हमने। मैडम उसे वॉशरूम की जानिब धकेला जबकि वो ना ना करती रह गई थी। आप शावर लें, तब तक आपके सास को बताकर आती कि उनके बेटे ने क्या सरप्राइज दिया है। उसके वॉशरूम में धकेल कर वो नीचे की जाने भागी।